डे 22। वेल 20 डे के बाद 22 क्यों? बिकॉज माइनिंग में बहुत टाइम जा रहा है। जितने भी डे स्किप होगा तो समझ लेना माइनिंग में जा रहा है। और हाइड्रोड की लॉजिक माइनक्राफ्ट डे की लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक ब्लॉक तोड़ो और प्लेस करो उतने में एक दिन निकल जाता है। सो मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रोग्रेस किया है। मैंने एक एनिमल्स फार्म बनाया है। आप पता नहीं ये कितना काम करेगा। वेल देखते हैं क्या होगा। इन लोगों की ब्रीडिंग में करवा सकता हूँ। सो इन लोगों की फार्म तो बना ही सकता हूँ। एंड चलो इन सीप्स को अंदर ले लेते हैं। और ये लोग सीड से अट्रैक्ट होते हैं। ये जो सीप्स टाइप की दिख रहा है और ये जो हिरन टाइप का दिख रहा है ये वीड से अट्रैक्ट होता है। अब इतने सारे मॉड्स खेलता हूँ तो सबके नाम याद नहीं रहता। एंड इसको यहाँ से छोड़ देते हैं। चल अरे यार खाली हाथ से कट जाए, इससे भी हो जाएगा बहुत बढ़िया। सो फ्रूट की भी जुगाड़ हो चुका है। और एक बढ़िया चीज़ है कि इनसे हम लोग शेयर्स कर सकते हैं। एंड इन लोगों की ब्रीदिंग नहीं हो रहा इस सिप्स की। मैंने कोशिश किया ब्रीद करवाने की बट इन लोगों की ब्रीद नहीं हो रहा। तो कोई बात नहीं, बाकी उल की जुगाड़ तो हो गया अपने यहाँ। एंड मैं सोच रहा हूँ अपने विलेजर्स के लिए थोड़ी जगह लगा दूँ। ये बेड लगा दिया मैंने यहाँ पर, तो इन लोगों की ब्रीडिंग भी होगा एंड पाई भी ज़्यादा स्पॉन होगा। डे 25 मत पूछना इतना क्यों स्किप हो गया, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। बट माइनक्राफ्ट की लॉजिक यहाँ पे डे कैसे गुजर जाता है कुछ समझ में नहीं आता। और अगर केप पे रहोगे तो और भी। सो माइनिंग में ऐसा हो जाता है। एंड यहाँ अपने विलेजर्स को थोड़े बहुत ब्रीडिंग करवाया और इन लोगों ने तो अच्छी खासी ब्रीड कर दी। नॉटी विलेजर्स। ओके तो एक और मैं लाया हूँ। आई होप इन लोगों का ब्रीडिंग हो जाए। और ये लोग वीट से लूर होते हैं तो देख सकते हो। चलो आजा। ओके आप ब्रीड करवाते हैं। कमान हो जाए इसका। वाह हो गया। और बेबी भी काफ़ी क्यूट लग रहा है। नाइस। और इन लोगों की एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया। कमान ब्रीडिंग कर ले यार। सब खिला देता हूँ, जितना है उतना खिला देता हूँ। आप देखता हूँ कुछ भी नहीं किया। ओके अब अपनी फार्मर्स को अपग्रेड करने वाला हूँ बिकॉज इनसे अपने को अनलिमिट फूड मिलने वाला है, भेज वाले फूड। डे 26 यहाँ पे कोई। ओके ये मेरे पास जाते ही गायब हो गया। ये चीज़ मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। पिछले बार खेला था बट ये नहीं दिखा था मुझे। और ये सिप तो मैंने पहले भी देखा है। ये हाइडूट पे आपको मिल ही जाएगा रुइन सिप। एंड इस सिप्स को पूरे तरह से तोड़ लो, जो है सब ले लो। इसके सारे चीज़ काम का है, देख सकते हो। इसे तोड़ोगे तो अलग अलग टाइप के चीज़ें मिलेंगे और डैमेज वाले। और इन फ्लोर से एक चीज़ बनता है, एक क्या है, अरे ये शेयर सेट है। ये डार्क आयरन स्मूथ ब्लॉक ऐसे कर दिया तो डार्क आयरन आ गया और इससे अपने को मिल गया आयरन ब्लॉक। तो इससे हम लोग जितना हो सके उतना आयरन ब्लॉक ले सकते हैं। तो ले लेते हैं डार्क आयरन, वैसे ये भी ले लेता हूँ। और राइट तो मेरा इन्वेंटरी पूरी तरह से भर चुका है। सो मैं ये आर्मरर को बेचने वाला हूँ। इसका ये जितने भी चीज़ें हमें सिप से मिलते हैं हम लोग को सारी चीज़ आर्मरर को बेच सकते हैं। तो ये ख़त्म हो चुका है। एंड नीचे चलते हैं, ये भी मैं बेच सकता हूँ और इससे अपने को कभी कभी ज़्यादा कॉइन मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो हम लोग आर्मरर से अच्छे खासे कॉइन माइन कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। और ये भी अपडेट हो चुका है। और उसी साथ साथ अपने टूल स्मिथ को भी अपग्रेड कर रहा हूँ। ये तो अपनी आयरन वाले ट्रेड को अनलॉक नहीं कर रहा और बेल तो मैं इससे ख़रीदने नहीं वाला। तो देखते हैं क्या होता है। इनसे मैं डायमंड के आर्मर लेने वाला हूँ। और डे 18 आ चुका है। सो मैं एक और कोबू को ले आया हूँ और इसको टेम भी कर लिया है। मैं कोबू की आर्मी बनाने वाला हूँ। ये लोग अपने काफ़ी हेल्प करने वाले हैं मॉब्स के साथ फाइट करने के लिए। एंड इन्हें ब्रीड करते हैं, हमें जो स्पाइडर से मिलता है उसकी रॉ मांस इसे खिला सकते हैं। एंड एक बेबी आ चुका है एंड आई थिंक ये बेबी अनट्रेम है। यस ये अनट्रेम है और अभी टेम नहीं करने वाला इसे, ये ऐसे ही इधर उधर घूमते रहेगा। ओके तो अपने विलेजर्स को थोड़े और अपग्रेड कर लेते हैं। ओके तो मैंने इसे लेवल 2 तक पहुँचा दिया है। और जितने भी थोड़े बहुत सामान बाकी था फेसशिप से तो सारे सामान मैंने वहाँ से लाया हूँ और इसे बेच दे रहा हूँ। काफ़ी बढ़िया डील है इसके साथ। ओके ये भी ले रहा है, सारे चीज़ें बेचने वाला हूँ। इनसे तो क्राफ्टिंग कुछ नहीं होने वाला। अब इससे आयरन बेचने वाला हूँ एंड
इसकी लेवल अप करने वाला हूँ। व्हाट द हैक यार, मुझे लगा ये डायमंड की आर्मर देगा। ओके डे 29 काफ़ी ख़राब टाइम गया। इन विलेजर्स ने पूरी तरह से मुझे लूट लिया यार, किसी ने भी कोई भी आर्मर नहीं दिया, काफ़ी बुरी बात है। बाकी मैं अपनी कबू को अपने साथ ले जाने वाला हूँ, कबू और इसे ले जा, आई मीन ये मेरे काफ़ी काम आने वाला है एडवेंचर के टाइम। एंड अपने को यहाँ पर एक विलेज मिला है, काफ़ी बढ़िया बात है। अब यहाँ से लैक्टन ले लेंगे तो काफ़ी बढ़िया होगा। और ये क्या है? ओके मर गया। ये तो केप के अंदर रहता है, बाहर क्या कर रहा है? ओके नंगा विलेजर सबके सब। यार लाइब्रेरी किधर है? एक भी लाइब्रेरी नहीं दिख रहा अपने को। ये तो सारे काम की चीज़ नहीं है। और ये स्पाइडर परेशानी, बेकार में काम खराब। एक और आ रहा है। ओके ये अपना कबू देख लेगा। और हाँ ये जो सील्ड की टेक्सचर है, ये मैं बैड टाइगर क्लैन यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए दिख रहा है। बाकी ये नॉर्मल सील्ड है, बस इसका टेक्सचर चेंज हुआ है। और बैड टाइगर क्लैन से अपने को FPS बूस्ट मिलता है। एंड यहाँ पर अपने को शुगर केन मिला है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। ओ इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। एंड एक और न्यू बायोम, बहुत बढ़िया। बट इस बायोम में तो बस टेराकोटा ही दिख रहा है। आजा तू भी आजा। यस मैं यहाँ पे इन लोगों की आर्मी बना रहा हूँ। ये अच्छा खासा प्रोटेक्शन देता है अपने को, सो इन लोगों की आर्मी बनाने वाला हूँ। जितने भी बना सके उतना बना लूँगा, आई मीन टेम कर लूँगा। एंड डे 30 आ चुका है, सो आज के दिन मैं बस शुगर केन उगाने वाला हूँ। जितना हो सके उतना पेपर कलेक्ट करना है और अपने लाइब्रेरियन को बुक से ट्रेड करना है, अभी लाइब्रेरियन से बुक की ट्रेड करना है। एक और चीज़ मैंने नोटिस किया, ये देखो यार, मतलब अपनी बिल्डिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा ओपी हो चुका है। ये देखो मैं रन करके अगर ये ब्रिज कर सकता हूँ। ओके डे 31, एक दिन मैंने ब्रिजिंग पे ही वेस्ट कर दिया। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। एंड आज बनाने वाला हूँ अपना डायमंड की पिकैक्स, एक्चुअली बन चुका है। और अब माइन करने वाला हूँ, क्या बोलते हैं इसे, ऑब्सिडियन। एंड यहाँ पे हम लोग नेदर नहीं बना सकते, ये एक अलग प्लैनेट है, ओवर वर्ल्ड नहीं है। हाइड्रोड एक अलग सा प्लैनेट कॉन्सेप्ट पे बनाया गया, तो हमें जो भी करना है यहीं पर ही करना है। यहाँ पे एंड एंड नेदर कुछ भी नहीं है। तो ये आ गया अपने पास एन्चेंटमेंट टेबल। एंड मैं सोचा हूँ इसे ऊपर ही सेट कर देता हूँ, तो ये यहाँ पर ही सेट कर दिया। ये आ गया एन्चेंटमेंट टेबल। एंड अपने को पेपर की बहुत ज़रूरत है, बट ये जो शुगर केन है ये कुछ खास ज़्यादा उग नहीं रहा, तो अपने को एक और बार बाहर जाना पड़ेगा बोन मिल की इंतज़ाम करने के लिए। और इस बार मैं अपनी तीनों शेरों को अपने साथ ले जाने वाला हूँ एडवेंचर पे। ज़्यादा कुछ नहीं, बस छोटा सा ही एक एडवेंचर होगा। लेट्स गो। तो यहाँ पे अपने को एक मरा हुआ पाई मिल गया। ये जितना हो सके उतना मैं कलेक्ट करने वाला हूँ। और ये मिल गया अपने को वही स्ट्रक्चर, सो ये कुछ स्केलेटन के पीठ के जैसे है। और ये पूरी तरह से बोन मिल्क से, आई मीन बोन ब्लॉक से बना है, तो मैं इसे ले लेता हूँ। एंड इसकी मदद से मैं जितना हो सके उतना शुगर केन उगा लूँगा और अपने लाइब्रेरियन को बुक भेज सकता हूँ। और अपना जो एन्चेंटमेंट टेबल है उसको भी अपग्रेड कर सकता हूँ, जस्ट लाइक दैट। सो अपना टेबल भी अपग्रेड हो जाएगा और अपने को अच्छे अच्छे एन्चेंटमेंट मिल जाएंगे। मेन प्रॉब्लम तो XP का है। एंड यहाँ से हम लोग XP भी जुगाड़ करने वाले, एंड लेदर भी। इसका नाम है राकोर दो को मार के हम लोग लेदर कलेक्ट कर सकते हैं एंड बोन्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। ओके एक बार अपने स्वॉर्ड में अच्छे खासे एन्चेंटमेंट आ जाए। ये है, पता नहीं क्या है, बट इससे अपने को गन पाउडर मिल रहा है एंड ईजीली हम लोग TNT बना सकते हैं। जब मैं TNT बना सकता हूँ तो इसे यूज़ ही कर लेते हैं। माइनिंग में काफ़ी अच्छा असर करने वाला है। बाकी 4 ब्लॉक एंड 5 ब्लॉक की स्पेस रख के एक्टिव कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हो गया अपना TNT चेन, काफ़ी सेटिस्फाई है। और इतना सारा TNT फोड़ा है बट एक भी लैक नहीं हुआ, डैट्स वाई मैं बैड टाइगर क्लैन यूज़ कर रहा हूँ। और ये वही मॉड है जिसे अपने किसी 1 लाख वाले बंदे ने चुराया है और उसे ऑप्टिफाइम की नाम दे दिया है। और वो वाला वर्सन बैकडेटेड वाला वर्सन है या अपग्रेडेड वाला वर्सन है।
क्या करे, यहाँ पे मौत चोरों की कमी नहीं है और क्रेडिट भी नहीं देते लोग। 1 लाख की सब्सक्राइबर, क्या ही बोलूँ उन लोगों को। चलो अपने को यहाँ पे 60 मिल चुका है और मेन चीज़ लैपिस लजुली मिल चुका है। लैपिस लजुली से हम लोग एन्चेंट कर सकते हैं डेट 35। सो आज मैं अपनी विलेजर्स को थोड़ा बहुत चेंजेस किया हूँ, आई मीन उन लोगों के जो ट्रेड है उन्हें चेंज किया है। और ये अपना लाइब्रेरियन है, ये अपने को दे रहे हैं प्रोटेक्शन 4, मतलब क्या ही बोलना। अब अपने को डायमंड आर्मर की कोई ज़रूरत नहीं है, हार्डन आर्मर से भी सर्वाइव कर सकता हूँ। और ये बंदा दे रहा है अपने को अनब्रेकिंग 2, प्रोटेक्शन 4 और अनब्रेकिंग 2 OP है। एंड मेंडिंग की जुगाड़ मैं बाद में करूँगा, अभी के लिए इतना काफ़ी है अपने को। और ये यहाँ से बना लेते हैं। ओके तो अपने को एन्चेंटमेंट थोड़ा देख देख के करना होगा। डे 36 में मैं बस एन्चेंटमेंट की क्या है और कुछ नहीं। डे 37 टू 39 मैंने क्राफ्टिंग स्टेशन से थोड़े बहुत ट्रेड किया है। एक तरह से बोल सकते हो ये क्राफ्टिंग ही है। तो यहाँ से मैंने ले लिया है सोलर जनरेटर और अपने को चाहिए बैटरी चार्जर। ये है क्या इसका नाम क्या है, एक मिनट लेट मी चेक। ओके बैटरी चार्जर ये है और ये आगे पीछे से। यार अभी अपने के पास एन्चेंटमेंट है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और मैंने अपनी शील्ड में भी अनब्रेकिंग 2 डाल दिया है, 3 भी डाल दूंगा, बाद में से अपग्रेड कर दूंगा अपनी शील्ड को भी। और बैटरी को मैं यहीं पे साइड पे रख देता हूँ, इसके साथ कनेक्टेड रहना चाहिए बस, उतना ही काफ़ी है। और यह है एम्प्टी बैटरी, इस पर इसको होल्ड करना है बस। आई थिंक ये खुद से पोजिशन ठीक कर लिया, बहुत बढ़िया। और इसे ओपन करेंगे, जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा तो नीचे चला जाएगा, ऊपर वाले बैटरी की स्ट्रक्चर हाइट हो जाएगा। सो ये है इसके सिस्टम। डे 40, सो एक छोटा सा ग्लिच हो चुका है गाइस, कि मेरा जो मेन वर्ल्ड है उसमें हार्ड कोड मॉड की वजह से जितना भी चीट्स कोड है वो सब ऑफ हो गया है। तो कोई भी चीट्स काम नहीं कर रहा, जिसके वजह से यहाँ पे जो टेम्पल है वो स्ट्रक्चर ब्लॉक के थ्रू जनरेट नहीं हुआ है। सो मुझे इसी वर्ल्ड की एक कॉपी बनाना पड़ा और उससे हार्ड कोड मोड को हटा के मैंने पूरा वर्ल्ड को रिस्टार्ट कर दिया। तो जिसके वजह से मेरी प्रोग्रेस एंड चंक सब कुछ रिस्टार्ट हो चुका है, वहाँ पे कुछ भी सेव नहीं हुआ है। और ये सारी चीज़ें मैंने क्रिएटिव से निकाल लिया है, बट इसमें जितने भी एन्चेंटमेंट है सब सेम है। यानी कि मेरे मेन वर्ल्ड पे मेरे पास जो गियर्स था वो सारे गियर्स मैंने यहाँ पे लाया है, शिफ्ट कर लिया है। इवन फूड भी सेम फूड है, कुछ भी मैंने चेंजेस नहीं किया है, बस थोड़े बहुत टॉर्चेस ले लिया है, इतना ही था। आई होप आप लोगों को कुछ चीटिंग वीटिंग नहीं लग रहा है। एंड इस वर्ल्ड से मुझे जितना भी कुछ मिलेगा लूट, आई मीन लूट तो मैं नहीं लूटने वाला इसे। और ये आ गया एक छोटा सा नमूना। ओके मर जा, आराम से मर जाएगा। इसमें सेम एन्चेंटमेंट है, बेन ऑफ आर्ट ऑफ फायर एक्सपेक्ट 2 एंड लूटिंग 1, सेम अपने मेन वर्ल्ड वाले सामान के साथ ही है। सो यहाँ पर मैं कुछ लूट नहीं लेने वाला, कॉज वो तो अब मैं मेन वर्ल्ड पे तो शिफ्ट नहीं करने वाला, वहाँ पे मैं कोई भी चीटिंग नहीं करना चाहता। बाकी यहाँ पे मैं आया हूँ बॉस देखने के लिए। ये छोटे बहुत नमूने अपने को दिख रहा था और कौन है। ओके पीछे से भी मारते हैं। एंड इन लोगों के लूट जो ड्रॉप हो रहा है तो उसे देख के लगता है ये सब रोबोट है। एक्चुअली रोबोट ही तो लग रहा है, रोबोट यहाँ पे कोई माइथोलॉजिकल क्रिएचर ये सब। चलो इन्हें मार देते हैं और इनसे अपने को वही सड़े हुए चीज़ें मिल रहा है जो अपने को सिप पे मिला था। ओके कुछ नहीं है, ये सब बालक है अपने, बस 2 ही हट गया है, कोई बात नहीं। मैं घूम के बाहर आ गया, हाँ ये ठीक नहीं था। मैं इस अपने जो मेन वर्ल्ड है उस शॉर्ट से मैं बेन ऑफ आर्ट तो हटाने वाला हूँ, बिकॉज उसमें कोई काम की चीज़ नहीं है। बेन ऑफ आर्ट तो इस स्पाइडर पे काम ही नहीं कर रहा है, एक्चुअली ये आर्थी लाइन है, स्पाइडर तो नहीं है। सो शार्पनेस ही मैं डालने वाला हूँ और ये एक छोटा सा पार्कवर्ड टाइप का है। ओके तो ये यहाँ पर ख़त्म होता है। तो यहाँ पर कोई बॉस बॉस नहीं है, बस ये छोटा बहुत नमूना है, इन्हें ही मारना पड़ेगा और कुछ नहीं। बाकी ये टेम्पल पूरी तरह से लूट के लिए है जो कि हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। सो सैड। तो क्या ही बोलूँ, कोई बात नहीं। मेरा इच्छा था इस टेम्पल को देखना तो मैंने कॉपी वॉल्ट पे रिस्टार्ट करके इसे देख लिया है। इतना ही ख़त्म और कुछ नहीं है, बस 3 ही फ्लोर था
तीनों फ्लोर मैंने एक्सप्लोर कर लिया है और मेरे माइंड पे एक चीज़ आ रहा है, ये जबकि कॉपी वर्ल्ड है तो हम लोग यहाँ पे मर सकते हैं, बिकॉज मेन वर्ल्ड पे तो नहीं मरा है। और बहुत लोग आप लोग देखना चाहते हो कि अगर मरूंगा तो कैसे दिखेगा पॉकेट एडिशन के हार्ड कोड, तो वही करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट टाइम अपने से मरने वाले हैं, बाकी मेन वर्ल्ड पे तो नहीं मरना चाहता, चल मार दे मुझे। सो गाइस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, उम्मीद है आपको पसंद आ गया। पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सायोनारा आरा आरा।